So hello dear all students, welcome back to my channel GST Expert and hope you all going good. एक amendments को लेकर के discuss करना चाह रहा था. Amendments जो कि due date of income tax को लेकर के है, जो अभी निर्मला सीतारमन जी जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं हमारी, उन्होंने अभी amendments में मतलब जो कि income tax का due date है उन्होंने extension करा है, और इनकम टैक्स के ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड करके इन्होंने नवंबर पे ले गए हैं, और नवंबर तक एक्सटेंशन दे दी है ड्यू डेट इनकम टैक्स की. अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा था कि जो इनकम टैक्स का ड्यू डेट एक्सटेंड हुआ है, क्या इसका एग्ज़ाम में जो कि इनकम टैक्स सब्जेक्ट है हमारा एग्ज़ाम जब सीए का होगा, तो क्या ये अमेंडमेंट्स भी उस पर एप्लीकेबल होगी? तो मैं आपको क्लियर कट कर देता हूँ. उसमें ये एग्ज़ाम जो आपका होगा, इसमें ये जो एक्सटेंशन ड्यू डेट का दिया गया है, जो आप इनकम टैक्स में पढ़ते हैं 139(1) में जो ड्यू डेट इनकम टैक्स का दिया हुआ है, वो 139(1) पे एग्ज़ाम के लिए ये अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल नहीं होगी. उसके पीछे रीज़न ये होता है बिकॉज 6 महीने से मतलब जिस टाइम पर आपका अटैम्प्ट होता है, तो उससे पहले की 6 महीने तक की जितनी भी अमेंडमेंट्स होती हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती. बिकॉज ऑब्वियस है कि उस 6 महीने में जो भी आपके अमेंडमेंट्स होंगी वो आपके एग्ज़ाम में एप्लीकेबल नहीं होंगी, राइट? तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, ये अमेंडमेंट जो निर्मला सीतारमन जी ने एक्सटेंशन किया है ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम, तो ये आपके इनकम टैक्स सब्जेक्ट के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज मैंने आपको रीज़न दे दिया है, राइट? तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको इसको रेजोल्यूशन दे दिया है इसका. और एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो अमेंडमेंट्स के लिए जो इनकम टैक्स की होगी वो ऑलरेडी जो आपने पढ़ रखी होगी या जो भी आपने फैकल्टी से आपने पढ़ी हुई हैं वो आपने कवर अप कर रखी हैं, वही सफिशेंट है. इसके अलावा कोई अमेंडमेंट्स और आपके एप्लीकेबल नहीं होंगी. ये जो होंगी वो आने वाले अटैम्प्ट असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए होंगी, क्योंकि आपका असेसमेंट ईयर अभी फ़िलहाल जो रेलेवेंट चल रहा है वो 2021 है, प्रीवियस ईयर 1920 है. तो सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी और यही थी. तो प्लीज़ अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उसका भी बेनिफिट मिल सके. और थैंक यू ऑल, थैंक्स, गॉड ब्लेस यू.